हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं किसी रेसिपी पर वीडियो नहीं बना रही हूँ और ना मैं कोई अपने रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं जो देख रही हूँ, ऐसे तो आप लोग भी देखते होंगे, और जो मैं सुन रही हूँ आज उसी पर मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या आप ही लोग मेरे वीडियो के माध्यम से जवाब दीजिएगा, क्या एक औरत होना गुनाह है? क्या एक लड़की होना पाप है? कि जब लड़की पेट में पड़ती है उसी वक्त लोग मार देते हैं, किसी तरह बच भी जाती है तो घर में किस तरह कैदी के तरह रहती है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, माँ बाप कैसे छुपा कर उसको रखता है एक लड़की को, किसी तरह बड़ी भी होती है तो गांव घिरान समाज उससे भी नहीं बच पाती है। क्यों, क्या कसूर है उसका? वो कब बचेगी? कैसे हम लोग सेफ रहेंगे? यही ना कि एक हम महिला हैं, एक औरत हैं, एक माँ है और एक बेटी थी, मेरी भी बेटी है, मैं भी एक औरत हूं, मुझे कहने में तो कुछ और कुछ कहने के लिए मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या कहूं? अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी मैं बोलूंगी अगर आप लोग को बुरा लगे तो आप लोग माफ कीजिएगा और इस पर विचार जरूर से जरूर कीजिएगा। क्यों, जब हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है तो हम लोग को ध्यान लगा रहता है कब आएगी, थोड़ा सा भी देर हो जाता है तो सोचते हैं कहां है, क्या कर रही है। घर में आती है उससे 10 सवाल पूछते हैं, कहां देर हो गया, किससे तुम बात करने लगी, कौन मिल गया रास्ता में। और लड़का आता है घर में, क्या हम लोग पूछते हैं, क्या आप पूछते हैं, तुम्हारा उठना बैठना किसके साथ है, इतने देर तुम कहां घूमते हो, इतने देर तक तुम दिन में कहां रहते हो, क्या आप कभी जानने की कोशिश किए हैं कि मेरा लड़का किसके साथ रहता है? क्यों, कि आपके पास में ताकत है, आपके पास में बल है? नहीं, आपके पास में ताकत नहीं है, आपके पास में बल नहीं है, क्योंकि आप 5 मिल जाते हैं, कहीं 4 मिल जाते हैं, और एक असहाय औरत को, एक असहाय लड़की को आप पकड़ लेते हो और उसको गलत अंजाम दे देते हो। क्या समझते हो कि हम बाहुबली हैं, हम मजबूत हैं, हम लचार हैं? नहीं, हम लचार नहीं है। अकेले होके तो देखो, अरे हम लोग को खुली आसमान में उड़ने दो, क्यों पंख काट रहे हो? आप लोग देख रहे होंगे बेटियां फाइटर चलाती है, बेटियां जज है, बेटियां एक से एक बड़े बड़े पद पर है, बेटियां कदम से कदम मिलाकर चलती है। क्यों, कि जब तक आपको सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक कैसे चलेगी? क्या बाहर जाने में डर लगता है? हम माँ बाप को सोचना होगा, हम माँ बाप को घर ही में अपने बच्चे को बताना होगा। क्या हम लोग का जन्म देना छोड़ दें? आप सोचते हो कहीं सफर में निकलते होंगे तो कहीं देखते होंगे कि महिला एक छोटे से बच्चा को लेकर गोदी में बैठे रहती है, अपने रास्ते के अपने सफर को इंतजार करती है। कभी तुम महसूस किए हो लोग किसी तरह मेरी माँ भी हमको लेकर कहीं गोदी में बैठकर किसी को इंतजार करती होगी, जिसको तुम लोग छूते हो? तुम लोग कभी सोचे हो जिसको छूते हो वो एक बेटी है, एक बहन है, एक माँ होगी, किसी की पत्नी होगी, किसी के घर दुनिया बसाएगी। देखिए, हम लोग के अपने घर ही में अपने बच्चे को बताना होगा, एक सब्जेक्ट के तरह बताना होगा कि जब भी किसी घर लड़की हो, बहन हो, माँ हो नजर पड़े तो उसको अपनी माँ बहन को छवि दिखना चाहिए कि मेरी माँ है, मेरी बहन है। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि जहां है वहां न है, हम लोग घर में नहीं ना, हम लोग आसपास पड़ोसी में नहीं ना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इस सबको एक होना होगा। देखिए, लड़का कहीं कुछ कर देता है तो माँ बाप उसको ध्यान नहीं देते हैं, लड़कियां से एक गलती हो जाती है तो 100 बार पूछा जाता है क्यों हो गया, कैसे हो गया। लड़की अपने से कुछ नहीं कर सकती है, आप लोग कहीं देखने को मिला होगा दहेज के लेकर कितनी लड़कियां सूली पर चढ़ गई, कितनी लड़कियां आग में जला दी गई, कितनी फांसी पर लटक गई। क्यों, पैसे के लिए।
वहां पैसे के लिए, यहां अपने ख्वाहिश के लिए, अपने जूस के लिए। ये कैसा न्याय है आप लोग सोचिए, कैसा न्याय है आप ही लोग बताइए। अगर महिलाएं नहीं होती, मैं नहीं होती, तो कैसे दुनिया होता। जिस धरती पर खड़ा होते हो लोग, ये सोचते हो कौन है, ये माँ है, जो धरती है वही माँ है। उसी पर ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम तुम लोग करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। देखिए कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है किसी अधेड़ औरत के साथ भी इस तरह गलत हो जाता है, क्यों होता है, नहीं होना चाहिए। हम लोग अपना माँ बाप जैसा, बहन जैसा नहीं समझते हैं। देखिए यार, यही सोच जब ये खबर मिलती है इस तरह की, तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। ये घटना सुनकर लोग, कुछ लोग रोड पर उतर आते हैं, अपने अपने बात रखते हैं, वो भी अपना मतलब के लिए रखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जो प्रदर्शन करते हैं उसी में से कोई किसी ना किसी दिन ये रास्ते को लोग अपना लेते हैं। कितने लोग तो वहां भी नहीं खड़े होते हैं, चलो मेरे घर आसपास थोड़ी ही है, मेरे परिवार में थोड़ी, वो भी चुप लगा देते हैं, देखते हैं फिर भी चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की क्या है, एक औरत है, वो माँ है, बनेगी, इसी के चलते ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ही लोग बताइए। अगर माँ नहीं होती तो क्या दुनिया आप लोग देख लेते? जैसे गंगा के धार बहता है, धार के रोकने के लिए एक बांध की जरूरत होती है। अगर बांध नहीं होती तो क्या धार टिक जाता है? आप ही लोग बताइए। और इसके लिए कुछ हम लोग को मानसिकता के बदलना होगा, और अपने घर ही में अपने बच्चों को बताना होगा। कौन बताएंगे हम लोग? बहुत दिन से सुन रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। रोज टीवी न्यूज खोलते हैं तो भले समाचार में यही दिखता है, कौन इसको बदलेगा? देखिए, लड़की कोई बाहर जाती है पढ़ने के लिए, माँ बाप को चिंता सी बनी रहती है, मेरी लड़की कहाँ है, कब आएगी। लेकिन बेटा पूरे दिन बाहर रहता है, पिता को नहीं माँ को, क्योंकि माँ तो लाचार बन जाती है अपने बेटे के सामने, लेकिन बाप तो लाचार नहीं होते हैं। आप लोग को तो पूछना चाहिए, आप लोग तो अपने बेटे से सवाल करना चाहिए, तुम किससे मिलते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या यार आप ही लोग सोचिए। ये अच्छा होता है, आप लोग का अच्छा लगता है चार मिलकर एक पर। अगर चार देखिए, आठ दस जहां जेंट्स लोग रहते हैं, एक महिला वहां डर जाती है, लेकिन दस महिलाएं रहेगी, आप एक जेंट्स रहेंगे तो आप वहां पर नहीं डरिएगा। क्यों? कि हम लोग के तरफ आप लोग के में इतना ये नीच विचार, हम लोग नहीं देखते हैं आप लोग को। हम लोग को भगवान इस तरह बना दिए हैं, हम लोग अंदर ऐसा घूम डाले हैं कि किसी पर बुरा नजर हम लोग नहीं डालते हैं। आप लोग का मानसिकता क्यों ऐसा है हम लोग के प्रति? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को यही बताने का कोशिश कर रही हूँ कि इस पर जरूर कुछ ना कुछ आप लोग विचार कीजिए, और महिलाएं की सुरक्षा के बारे में आप लोग सोचिए, क्योंकि घर ही से ये शुरू होगा। पहले हम लोग अपना घर ही में अपने बच्चे को बताएं। जैसे पढ़ाई के लिए हम लोग प्रेरण करते हैं, पढ़ो लिखो, कोचिंग जाओ, कॉलेज में एडमिशन लो, ये करो वो करो, कपड़ा मोबाइल ये चीज, उसी तरह ये भी हम लोग को अपने लड़का को बताना है कि तुम चार मिलकर एक लड़की को तुम खींच लेते हो। क्यों खींचते हो? अगर वो चार रहती तुम खींच लेता, तुम कर लेता, नहीं कर पाता, इसे तुम चार इकट्ठे हो जाते हो और अकेले रहती है, क्योंकि उसमें इतना हिम्मत रहता है, लेकिन तुम हिम्मत को तुम विवश कर देते हो। इसी वीडियो के माध्यम से हम आप लोग से, अगर मेरे से कोई भी अशब्द या गलती आवाज निकल गई होगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस पर विचार आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। बहुत दुख होता है सुन सुन के, शुरू से जन्म से लेके अब बड़े होते तक एक महिला क्यों डर सा है? क्या एक महिला होना गुनाह है, एक अपराध है? थोड़ा खुला छोड़कर तो देखो कैसे आसमान छूती है। कल ये नहीं कहने से होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।